अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जैसे कि आप लोगों को पता है ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ी का रेडिएटर और कन्जेंसर फ़ैन जो होता है उस फ़ैन को हाई स्पीड और लो स्पीड ऑन करने के लिए दो रिले को यूज़ किया जाता है एक होता है आपका हाई स्पीड रिले एक होता है आपका लो स्पीड रिले मगर सुजुकी की गाड़ी का अगर आप फ़ैन वायरिंग डायग्राम देखोगे फ़ैन का कनेक्शन देखोगे फ्यूज़ और रिले बॉक्स का झग फ्यूज़ और रिले बॉक्स चेक करोगे तो फ़ैन को ऑन करने के लिए तीन रिले यूज़ किया जाता है अब वो एक एक्स्ट्रा रिले क्यों यूज़ करता है वो आज हम इस वीडियो में जिसकस करेंगे आज मेरा इस वीडियो का टॉपिक होगा सुजुकी रिट्स का फैन वायरिंग डायग्राम के बारे में चलो करके आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। सुजुकी रिज्स रेडिएटर और कंडेंसर फैन वायरिंग डायग्राम के बारे में ये जो डायग्राम में आज आपको बताऊंगा ये डायग्राम होगा डीजल मॉडल ठीक है पेट्रोल मॉडल का होगा नहीं पेट्रोल मॉडल का अलग से होगा उसका वायरिंग डायग्राम अलग से है अगर आपको वो भी वायरिंग डायग्राम देखना है तो कमेंट में बता देना उसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा इन चलो देरी न करके वीडियो शुरू करते हैं सबसे पहले ये जो रेडिएटर फैन है ये रेडिएटर फ़ैन को ऑन करने के लिए कौन सा कौन सा सेंसर कौन सा कंपोनेंट चाहिए सबसे पहले हम उसके ऊपर बात करेंगे इस फैन को ऑन करने के लिए हमारे को सिर्फ एक फ्यूज़ बॉक्स का ज़रूरत होता है एक फ्यूज़ का ज़रूरत होता है वो होता है आपका रेडिएटर का तीस एम्पेल का फ्यूज़ ठीक है उसके बाद और एक हमारे को जो तीन रिले फ्यूज बॉक्स में हम देखते हैं तीन रिले लगा हुआ है वो तीन रिले हम इसके डायग्राम में भी देखेंगे सबसे पहला रिले होगा ये उसके बाद हमारे पास एक दूसरा रिले होगा उसके बाद हमारे को एक तीसरा रिले होगा इस तीन रिले को ऑन करने के बाद हम इस फ़ैन को ऑपरेट करेंगे अब इस फ़ैन को ऑन करने से पहले जो इसका कनेक्शन करने से पहले इन तीनों रिले पर कनेक्शन सबसे पहले देख लेते हैं जब भी गाड़ी कभी भी देखोगे जब गाड़ी आप इग्निशन बंद कर देते हो तब भी आपका फ़ैन ऑन होता है क्योंकि ये जो फैन का वायरिंग होता है वो ई के साथ कनेक्शन होता है इग्निशन के साथ कनेक्शन नहीं होता जब आपका इग्नि गाड़ी ओवरिकिन होगा तभी फ़ैन चलेगा ये ओवर अगर गाड़ी बंद हो जाए तब अगर हो तब भी फैन ऑन होगा गाड़ी अगर स्टार्ट हो तब अगर गाड़ी ऑवरिजिन हो भाई एसी चले तब भी आपका फ़ैन ऑन होगा तो इसी के ऊपर कनेक्शन बताएंगे सबसे पहले रेजिएटर का तीस एमपेर का डायरेक्ट बैटरी से करंट फ्लो होके एक ग्रे कलर का वायर में आएगा आपका एट्टी फाइव नंबर पे रिले नंबर वन पर उसके बाद वही सेम वायर एक आएगा आपका तीस नंबर पे तो पहला नंबर रिले पर ये कनेक्शन आ गया अब ये दूसरा नंबर रिले पर कनेक्शन आएगा यहाँ से एक वायरिंग आएगा ग्रे कलर का वायरिंग आएगा आपका एट्टी फाइव नंबर पे उसके बाद और एक वायरिंग आएगा तीस नंबर पे एट्टी फाइव तीस नंबर पे यही आएगा आपका ग्रे कलर का वायरिन उसके बाद और एक वायरिन आएगा वो वायरिन आएगा तीसरा रिले पर 85 नंबर पे, ठीक है ये दोनों वायरिन का कलर ये जो जितना भी वायरिन है एक वायरिन से होते हुए सारे वायरिन में डिवाइडेड होगा इस वायरिन का कलर होगा ग्रे कलर ठीक है उसके बाद इसको ग्राउंड देने का काम ई का होता है अब ई इसको ग्राउंड कैसे देगा कैसे का कनेक्शन होगा वो आगे देख लेते अब हम बात करेंगे जो इस फैन को ऑन करने के लिए हमारे को एक ई सी एम का कनेक्शन चाहिए अब ये होगा हमारा ई सी एम अब ई सी एम के अंदर दो सेंसर लगा हुआ रहेगा अब ये दो सेंसर हमारे को बताएगा ये फ़ैन कब ऑन करना है कब हाई स्पीड करना है कब लो स्पीड करना है सबसे पहले सेंसर हम देख लेते हैं ये होगा हमारा प्रेशर स्विच अब ये प्रेशर स्विच क्या होता है प्रेशर स्विच प्रेशर सेंसर भी बोला जाता है ये हमारा एसी सिस्टम में लिक्विड पाइप के ऊपर लगा हुआ रहता है ये सेंस करता है गाड़ी के अंदर जो गैस का टेम्परेचर है वो कितना है उसको हिसाब से जब एसी ऑन होता है तो इसीलिए हमारा फैन हाई स्पीड में चलता है क्योंकि ये सेंसर लगा हुआ रहता है इसीलिए अब इस सेंसर का हम कनेक्शन देख लेते हैं इस सेंसर अगर नहीं होगा तो आपका ये सेंसर अगर खराब होगा तो आपका फ़ैन नहीं चलेगा फैन नहीं चलेगा तो आपका कंजेंसर ठंडा नहीं होगा गैस ठंडा नहीं होगा तो आपका कूलिंग भी नहीं होगा इसमें कंप्रेसर में भी इफेक्ट बहुत पड़ता है सबसे पहले होगा क्या इसमें से फाइव पोल सप्लाई इसी क्या करेगा प्रेशर स्विच को सबसे पहले फाइव पोल सप्लाई भेजेगा इस वायरिंग का कलर होगा ग्रे और रेड कलर का वायरिंग प्रेशर स्विच में डायरेक्ट जाएगा उसके बाद ई और एक वायरिंग देगा वो होगा आपका सेंसर ग्राउंड सेंसर ग्राउंड से और एक ऑरेंज कलर का वायरिन जाएगा आपका प्रेशर सेंसर में अब जब यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव दोनों वायरिन आ गया दोनों वायरिन आने के बाद प्रेशर स्विच क्या करेगा इस प्रेशर स्विच के अंदर ये जो सेंसर के अंदर जो गैस है जो गैस का प्रेशर है उसको वोल्टेज में कन्वर्ट करके ई को वापस करेगा मतलब एक सिग्नल के थ्रू ई सी के पास आएगा इस वायरन का कलर होगा रेड ग्रीन और इस वायरन का पिन होगा सेंसर सिग्नल मतलब सेंसर का सिग्नल के हिसाब से ई में आएगा ये हो गया हमारा जब ए ऑन होता है तब इसके लिए फ़ैन ऑन करने के लिए सेंसर यूज़ किया जाता है उसके बाद दूसरा सेंसर होता है हमारा ए सेंसर जिसका फुल फॉर्म होता है इंजन कूलिंग टेम्परेचर सेंसर यह सेंसर काम क्या करता है जब हमारा गाड़ी के अंदर कूलिंग का टेम्परेचर 80 डिग्री से 90 डिग्री ऊपर होता है तो ये फैन ऑन करना ज़रूरी होता है क्योंकि इंजन के अंदर जो कूलेंट होता है उसको ठंडा करने के लिए अगर ठंडा नहीं कर पाएगा तो और गर्म हो हो के इंजन सीज भी हो, सकते और भी हो सकता है और ओवरिजिन भी हो सकता है इसीलिए ई सी की सेंसर यूज़ किया जाता है जो टेम्परेचर को मेजर करता है कूलेंट का टेम्परेचर को देख के फैन ऑन ऑफ करता है तो इसको मेजर करने के लिए ई सी एम ही इसको कनेक्शन देगा सबसे पहले क्या करेगा ई सी एम यहाँ से फाइबोल का एक सप्लाई सीधा जाएगा आपका ई सी के सेंसर में इस फायरिंग का कलर होगा आपका ग्रीन कलर ठीक है उसके बाद ई सी एम क्या करेगा यहाँ पर और एक सेंसर ग्राउंड भेजेगा आपका ई सी सेंसर के ऊपर इस वायरिन का कलर होगा पर्पल व्हाइट कलर का वायरिन ये दोनों जो वायरिन इसमें जाएगा इसके अंदर एक वेरिएबल रेसिस्टेंस लगा हुआ है तो उसको शॉर्ट करके ई सी एम को बताएगा जो कूलेंट का टेम्परेचर कितना है ठीक है अब देखो जब इन दोनों का टेम्परेचर लो होगा ठीक है तब इन दोनों का टेम्परेचर मतलब खूब ज़्यादा हाई नहीं है खूब ज़्यादा लो नहीं है एकदम मीडियम में चल रहा है तब ई सी एम क्या करेगा सबसे पहले इस फर्स्ट पिन रिले को ऑन करेगा अभी ई से यहाँ से एक कनेक्शन मैं यहाँ पर देता हूँ ई से ए रहा हमारा ई सी से एक वायरिन जाएगा आपका फर्स्ट वाला पिन में लाइट ग्रीन कलर का एक वायरिन जाएगा नेगेटिव के हिसाब से अब यहाँ को इसको नेगेटिव मिल गया यहाँ से इसको पॉजिटिव मिल गया जब यहाँ से पॉजिटिव और यहाँ से नेगेटिव मिल जाएगा तब ये रिले एक्टिवेट हो जाएगा रिले एक्टिवेट होने के बाद यहाँ से तीस एम्पेयर का करंट का फ्लो तीस नंबर से होते हुए एट्टी सेवन नंबर से आएगा आपका सीधा आपका रेडिएटर फैन में पॉजिटिव सिग्नल इस वायरिन का कलर होगा आपका ब्लू और रेड कलर का वायरिन आएगा रेडिएटर फैन के अंदर ठीक है अब हमारे रेडिएटर फैन के अंदर एक पॉजिटिव सिग्नल आ गया अब नेगेटिव सिग्नल मिलेगा इसको ग्राउंड से एक ग्राउंड कलर का एक वायरिन ब्लैक कलर का वायरिन जाएगा नेगेटिव के थ्रे रेडिएटर फैन के पास इस वायरिन का कलर होगा ब्लैक कलर और ये जो वायरिन होगा ये हमेशा इस फैन के साथ ही मौजूद होगा ठीक है अब हम देख लेते हैं ये दो रिले किस काम का होता है अब ये दो रिले जब अभी तो ये मतलब हमारा प्रेशर सेंसर और इसी की सेंसर का टेम्परेचर नॉर्मल है मतलब लो स्पीड में काम चल रहा है जब इस सेंसर का टेम्परेचर बढ़ेगा जब हमारा गैस का प्रेशर बढ़ेगा टेम्परेचर बढ़ेगा और कूलेंट का टेम्परेचर बढ़ेगा तब इसी क्या करेगा यहाँ से ई हमारा इसी क्या करेगा यहाँ से एक ग्राउंड भेजेगा सीधा दूसरा नंबर रिले में ग्राउंड इस वायरिन का कलर होगा आपका ग्रीन कलर तो ग्रीन कलर का वायरिन जब भेजेगा तब यहाँ से पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों पहले से मौजूद है यहाँ को इसको जब इसको ग्राउंड मिल जाएगा ग्राउंड मिलने पर ये एक रिले एक्टिवेट हो जाएगा जब रिले एक्टिवेट हो जाएगा तो तीस और इक्कीस सेवन नंबर आपस में जुड़ जाएगा जुड़ने से क्या होगा यहाँ से तीस एमपेयर का करंट का फ्लो सीधा आएगा आपका रेडिएटर फैन के ऊपर इस वायरन का कलर होगा आपका ब्लू और ब्लैक कलर का वायरन इसमें आएगा आपका पॉजिटिव सिग्नल अब यहाँ पर आ गया पॉजिटिव सिग्नल अब दो पॉजिटिव आ गया एक नेगेटिव आ गया अब इसको नेगेटिव चाहिए तो नेगेटिव अगर होगा तब ये फैन करेगा अब इसको एक नेगेटिव कहाँ से मिलेगा अब ये नेगेटिव मिलेगा हमारा तीसरा नंबर रिले में तो आप लोगों को पता लग गया जो हाई स्पीड लो स्पीड हाई स्पीड और ये वाला जो तीसरा नंबर जो रिले होगा वो नेगेटिव सप्लाई आगे भेजेगा अब होता क्या है जब ई इसको ग्राउंड भेजेगा तो एक साथ में ई तीसरा नंबर रिले को भी ग्राउंड भेज देगा तो ये जो रिले होगा इस रिले का कनेक्शन आप ध्यान से देख लो समझ में आ जाएगा आपको जो ब्लैक कलर का ग्राउंड होगा वो 87 नंबर पे मौजूद होगा ठीक है 87 नंबर पे ये से ही होगा ए, ध्यान से मतलब मैं समझा नहीं पा रहा हूँ ठीक से जो इस वाले रिले में होता क्या इस वाले रिले में क्या हो रहा है 87 नंबर से निकल रहा है अब इस वाले रिले में क्या होगा 87 नंबर पे नेगेटिव पहले से मौजूद होगा वो 30 नंबर से वायरिन निकलेगा ठीक है अब क्या होगा ये वायरिन होगा आपका ब्लैक कलर ये वायरिन जाएगा आपका 87 नंबर पे उसके बाद क्या होगा ई सी एम से यही वाला ई सी एम सेम कंडीशन में इसको जब ग्राउंड देगा ये इसको भी एक ग्राउंड दे देगा तो इस वायरिन का कलर होगा व्हाइट और ग्रीन कलर का वायरिन अब होता क्या है जब यहाँ से पॉजिटिव यहाँ से नेगेटिव मिल गया इसको तब ये क्या करेगा रिले एक्टिवेट होगा अब रिले एक्टिवेट होगा तो क्या होगा यहाँ से अगर नेगेटिव फ्लो होगा तो नेगेटिव जाएगा यहाँ से अगर पॉजिटिव फ्लो होगा तो पॉजिटिव जाएगा तो होगा क्या जब रिले एक्टिवेट हो जाएगा तब तो ये दोनों पिन आपस में जुड़ जाएगा जुड़ने से क्या होगा यहाँ से एक नेगेटिव फ्लो यहाँ से एक नेगेटिव फ्लो सीधा जाएगा आपका फ़ैन के अंदर इस वायरिन का कलर होगा आपका ब्लू और वाइट ब्लू और वाइट कलर का वायरिन ये सीधा जाएगा आपका रेजिटर फैन के ऊपर ये जाएगा आपका नेगेटिव सिग्नल के नेगेटिव सिग्नल तो आपको समझ में आ गया होगा जो तीन रिले यूज़ करके रेजिटर फैन कैसे ऑन होता है अगर आपको पेट्रोल मॉडल का भी फैन वायरिंग डायग्राम जानना है तो कमेंट में कर कॉमेंट में बता देना मैं इंशाल्लाह इसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा आज के लिए इतना ही अगर कुछ समझ में में दिक्कत आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना मैं इसका आंसर देने का जरूर कोशिश करूँगा अल्लामेक